अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है टमाटर की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 टमाटर। इसको बस इसे रफली चॉप्ड कर लेना है, इसके ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और टैंगी बनती है। तो टमाटर को इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें मैं थोड़ा कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून राई मस्टर्ड सीड और 1/2 टीस्पून क्यूमिन ज़ीरा। जैसे ये अच्छे से तड़कने लगे उसमें मैंने ऐड कर देने हैं चॉप टमाटर। अब इन सबको थोड़ा मिक्स कर लेना है ताकि वो नीचे के राई ज़ीरा जले नहीं। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिक्स मसाला का यूज़ ना कीजिए, इसमें नॉर्मल कश्मीरी चिली रेड चिली ही यूज़ करते हैं यानी पाउडर। उसके बाद नमक, इसको मिला लेना है और इसको ढक के पका लेना है। अब जैसे ही टमाटर ऑयल रिलीज़ करने लगे इसका मतलब ये पक चुके हैं। उसके बाद नींबू का रस, ये बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ता है, और थोड़ी सी शुगर। तो रेडी है मेरी टमाटर की चटनी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।